आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हाल ही में संघ के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य है। आपका पहला दे रखा है पॉइंट, उन्नत शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा आयुष की शिक्षा में सुधार। दूसरा है, आयुष अस्पतालों और औषधालयों, औषधि तथा मानव शक्ति की उपलब्धता में वृद्धि द्वारा आयुष सेवाओं का बेहतर पहुँच। तीसरा, आयुष चिकित्सा प्रणाली में गुणवत्ता युक्त कच्ची सामग्री की निरंतर उपलब्धता बनाना। आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आप लोगों को आपके यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं, पहला एक, दो और तीन, दूसरा केवल दो और तीन, तीसरा केवल एक और चौथा केवल एक और दो। दोस्तों, आइए जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प है हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उससे पहले अगर हम बात करें तो बारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया। इसका जो उद्देश्य था, इनके जो मूल उद्देश्य कौन कौन से थे, आइए एक बार उन पर नजर लगा देख लेते हैं। तो जो पहला है आपका उद्देश्य, वो क्या था, जो इसका मूल उद्देश्य था वो था प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना इसका पहला उद्देश्य था। अगर हम इसके दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य था कि शिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना। इसका जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था, आयुर्वेद यूनानी और होम्योपैथिक औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाना, ताकि क्या हो, सभी को सुविधा हो सके औषधियों को लेने में। तो दोस्तों, ये कुछ आपके उद्देश्य थे। अब आइए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से यहाँ पर कथन सही है। तो पहला उद्देश्य, उन्नत शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा आयुष की शिक्षा में सुधार करना, बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा है आपका आयुष अस्पतालों के औषधालयों, औषधि मानव की उपलब्धता में वृद्धि द्वारा आयुष सेवाओं को बेहतर पहुँच बनाना, बिल्कुल सही दे रखा है। तीसरा है, आयुष चिकित्सा प्रणाली में गुणवत्ता कच्ची सामग्री की निरंतर उपलब्धता बनाना, ये भी आपका कैसा दे रखा है, सही दे रखा है। तो यहाँ पर जो आपका कथन सही हो जाएगा वो आपका ए विकल्प हो जाएगा, एक, दो और तीन, तीनों सही दे रखे हैं। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।